नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसर्ट लाइफ में। मैं आपके साथ कोमल। 17 साल पुराने उमेश पाल किडनैपिंग केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के बाहुबली और दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अतीक और उसके भाई अशरफ समेत 10 लोगों को दोषी माना है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि उमेश पाल किडनैपिंग केस में कुल 11 दोषी थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है। कोर्ट में सुनवाई के लिए अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आज सुबह ही 12 बजे अदालत में पेश हुए। इस दौरान अतीक और उसके भाई की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चारों तरफ वर्दी और सिविल वर्दी में पुलिस के जवान तैनात किए गए। वहीं उमेश पाल की पत्नी ने मीडिया से बात करते हुए अतीक अहमद के लिए अदालत से फांसी की गुहार लगाई। आपको बता दें कि उमेश पाल की पिछले दिनों ही प्रयागराज में बम फेंक कर और गोली बरसाकर हत्या कर दी गई थी। वह बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। जॉन अतीक अहमद के गुनाहों की अगर बात की जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है। दर्जनों मामले उस पर दर्ज है। मामलों की संख्या शतक के पार है, लेकिन उसके आपराधिक रिकॉर्ड का कोई भी असर उसके राजनीतिक इतिहास पर नहीं रहा है। अतीक माफिया, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, बाहुबली, दबंग और आतंक का दूसरा नाम है, लेकिन साथ ही साथ 5 बार विधानसभा चुनाव और 1 बार सांसद भी रह चुका है। अतीक उसी फूलपुर लोकसभा सीट पर सांसद रहा था जहां से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ चुके हैं। अतीक अहमद के गुनाहों की फहरिस्त उसी साल बननी शुरू हो गई जब वो बालिग हुआ। 1983 में 18 साल की उम्र में अतीक पर पहली FIR हुई। इसके बाद तो जैसे अतीक के कदम रुके ही नहीं, उसके आपराधिक गुनाहों की लिस्ट लंबी बनती गई। लेकिन अतीक ने अपने अपराधों को छिपाने के लिए राजनीतिक कुर्ता भी पहन लिया और 1989 में पहली बार विधायक बन गया। वह सीट इलाहाबाद वेस्ट की थी। इसके बाद उसी सीट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में अतीक लगातार विधायक चुना जाता रहा। 2004 में उसने राजनीतिक प्रमोशन भी पा लिया और फूलपुर सीट से सांसद बन गया। अपराध और राजनीति में एक साथ आगे बढ़ते हुए अतीक के अपराधों की अति इतनी हो गई कि उसे अपने आगे कोई दिखता ही नहीं था। वो अपने आगे किसी को समझता ही नहीं था। जिस विधानसभा सीट को छोड़कर अतीक सांसद बना, वहां से उसने अपने भाई अशरफ अहमद को चुनाव लड़ा दिया, लेकिन जिता नहीं सका। जीत मिली बसपा के राजू पाल को, लेकिन 2005 में 25 जनवरी को राजू पाल की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद हुए उपचुनाव में अतीक का भाई तो विधायक बन गया, लेकिन अतीक के राजनीतिक करियर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 2009 के बाद अतीक कोई चुनाव नहीं जीत सका। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके अतीक अहमद के राजनीतिक करियर की नैया डूब चुकी है। अपराधों में तो उस पर नए मामले दर्ज होते रहे, लेकिन राजनीति जीत उससे छटक दी गई। 2009 में लोकसभा चुनाव में उसने प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो 2014 में श्रावस्ती सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर, 2018 में फूलपुर सीट के उपचुनाव में और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत किसी में नसीब नहीं हुई। श्रावस्ती को छोड़ दें, लोकसभा के बाकी तीनों चुनावों में तो उसकी जमानत तक जब्त हो गई। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।